नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। और आज इस अगस्त के महीने में हम इंडिपेंडेंस फ्रॉम इनफर्टिलिटी इस सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम इनफर्टिलिटी, ये ख्याल मेरे मन में इसलिए आया कि अक्सर जो हमारे मरीज आते हैं वो इस समस्या से इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, न केवल पर्सनल परंतु सामाजिक लाइफ में भी वो इस कारण से अपने आप को अधूरा पाते हैं। अब संतानहीनता का इलाज जो है वो एक नए लेवल पर जा चुका है, क्योंकि अब हमारे पास जेनेटिक्स का जो नॉलेज है उससे हमारे सक्सेस रेट्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जहां कुछ समय पहले तक हम ये कारण ही नहीं बता पाते थे कि क्यों कुछ एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं हुए, आईवीएफ साइकिल क्यों फेल हो गया, आज के समय में हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं, जैसे कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे यानी कि ईरा टेस्टिंग। इन सारे टेक्निक से आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो अब सक्सेस रेट इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या पीजीएस। पीजीएस के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर फियोना डिसूजा। डॉक्टर फियोना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। थैंक यू मैम। डॉक्टर फियोना एंडरसन लैब के साथ जुड़ी हुई है। वो एक जानी हुई जेनेटिसिस्ट है और एम्ब्रियो बायोप्सी तथा एम्ब्रियो का जो क्रोमोसोमल एनालिसिस होता है, साथ ही साथ जिन कपल्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चों में जन्मजात विकृति आ रही, उन कपल्स का मार्गदर्शन वो जेनेटिक काउंसिलिंग के थ्रू करती है। फियोना, आपका इस विषय में चर्चा के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये एम्ब्रियोज का जेनेटिक स्क्रीनिंग आखिर क्या होता है? तो एम्ब्रियोज का जेनेटिक स्क्रीनिंग 3 तरह के होते हैं मैम। पहले तो एक ही नाम था, पीजीएस पीजीडी करके, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के नाम से जाना जाता था। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और हमें जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी है, इस वजह से इनको 3 तरह के जेनेटिक टेस्टिंग में अभी डिवाइड किया जाता है। पहली तो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अनिप्लॉयडी। तो इसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारे अंदर जो डीएनए रहता है वो 46 क्रोमोसोम्स में बटा हुआ रहता है। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एनिप्लॉइडीज में हम ये टेस्ट करते हैं कि बच्चे में जो डीएनए में जो क्रोमोसोम्स जा रहा है वो सारे क्रोमोसोम्स 46 के नंबर में है या नहीं। अगर इन क्रोमोसोम की मात्रा में ऊंच नीच हो जाती है तो मिसकैरेजेस या आईवीएफ फेलियर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से ये स्क्रीनिंग किया जाता है। तो दूसरा है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स। मतलब अगर किसी की पेरेंट्स के कैरियोटाइप में कोई ट्रांसलोकेशन आ जाए, मतलब एक क्रोमोसोम अपनी जगह से हट के उससे क्रोमोसोम की जगह जाके उसकी जगह बेसिकली इंटरचेंज हो जाती है, तो पेरेंट्स जी कंप्लीटली नॉर्मल दिखते हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी लॉस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस कंडीशंस में हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स करते हैं। और यदि पेशेंट्स में ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिजीज डायग्नोस हो चुकी है, जैसे कि थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, ये लोग म्यूटेशन की कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर म्यूटेशंस करते हैं, इसको हम बिल्कुल पीजीटीएम बोलते हैं। बिल्कुल। तो यदि मैं दर्शकों को संक्षेप में बताऊं तो 3 तरह के पेशेंट्स को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कराया जाता है। पहला, वो जो जेनेटिकली बिल्कुल नॉर्मल है पेरेंट्स, जिनका क्रोमोसोम नॉर्मल है परंतु आईवीएफ में सक्सेस हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उनका एन्यूप्लॉइडी यानी एम्ब्रियो में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी के लिए टेस्टिंग करते हैं। दूसरे, वो कपल्स जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं और मिसकैरेज का कारण कहीं ना कहीं क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, जिसे बैलेंस ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ऐसे केसेस में कपल फर्टाइल तो है पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, और उसके लिए पीजीटी एसआर टेक्निक होती है। तीसरा, वो कपल्स जिन्हें इनफर्टिलिटी का या अबॉर्शंस का इशू नहीं है पर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन कैरी करते हैं, जैसे अपने इंडिया में सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से रिलेटेड म्यूटेशंस है, कई सारे ऐसे म्यूटेशंस हैं जो दंपत्ति ऑब्वियसली नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, और ऐसे केसेस में फिर पीजीटी एम यानी कि पीजीटी म्यूटेशन एनालिसिस किया जाता है। फियोना, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम पीजीटी ए के बारे में बात करते हैं, यानी
एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग के बारे में, तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या हर वो व्यक्ति जिसका IVF हो रहा है उसे PGT के लिए जाना चाहिए, या कौन से वो कपल्स हैं जिनके लिए PGT का टेक्निक अच्छा रहेगा? अभी हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है साइंटिफिकली ये सजेस्ट करने के लिए कि PGT हर पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए। हम लोग PGT बस उन्हीं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी 2 बार IVF साइकिल्स फेल हुए हैं, स्पेशली इन पेशेंट्स में जब एम्ब्रियोज दिखने में बहुत अच्छे हैं, एंडोमेट्रियम भी ठीक था और कोई हमें कारण नहीं मिल रहा जिस वजह से, तो सेकेंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में हम लोग PGT ये सजेस्ट करते हैं। दूसरे कैटेगरी के पेशेंट्स ये होते हैं जिनकी मेटरनल एज 35 से ज्यादा हो, क्योंकि औरतों में जैसी एज बढ़ती है क्रोमोसोम्स की मात्रा, अब हमारी एग्स जो बनते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती और उनमें क्रोमोसोम की मात्रा में अंतर आने का चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन पेशेंट्स को भी PGT ये सजेस्ट करते हैं। एक और कंडीशन ये है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर हमें कोई जब हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन टेस्टिंग करते हैं, मिसकैरेज के बाद जब जेनेटिक टेस्टिंग होती है, अगर हमें उन सैंपल्स में एनिप्लॉयडी मिलती है या किसी को पहला बच्चा जिस किसी का भी बच्चा डाउन सिंड्रोम से शायद डायग्नोस हुआ हो, इन दंपतियों को हम लोग PGT ये सजेस्ट करते हैं। ये एक्चुअली प्रोसेस किया कैसे जाता है कि एम्ब्रियो का हम किस तरह से जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा संक्षेप में बताइए। ये एम्ब्रियोस IVF द्वारा बने हुए एम्ब्रियोस हम लोग 5 दिन में लैब में कल्चर करते हैं। हम लोग 5वें दिन पे एम्ब्रियोज में करीबन 100 से 120 सेल्स रहते हैं, तो इस स्टेज में एम्ब्रियो में 2 तरह की सेल्स रहते हैं, एक तो अंदर वाले सेल्स जिसमें से बच्चा बनता है और एक है बाहर वाले सेल्स जिसमें से प्लासेंटा बनता है जो बच्चे को उसकी न्यूट्रिशन देता है। तो हम अंदर वाले सेल्स को छू नहीं सकते क्योंकि उसमें से बच्चा बनता है और हमें कोई डैमेज नहीं करना है इससे, इसलिए हम बाहर वाले सेल्स से छोटी सी सेल्स निकाल के 5 to 6 सेल्स निकाल के इसकी बायोप्सी होती है। इस प्रोसीजर को हम एम्ब्रियो बायोप्सी बोलते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं और जो बायोप्सी निकलती है वो जेनेटिक्स लैब को जाती है जहाँ पे उसके एक्सपर्टीज वहां से DNA एक्सट्रैक्ट करके इसकी टेस्ट जांच की जाती है। तो आपने बताया कि ये ब्लास्टोसिस स्टेज पे बायोप्सी होती है, तो क्या तीसरे दिन में ये बायोप्सी नहीं कर सकते, क्योंकि आमतौर पे कई ट्रांसफर्स तीसरे दिन में ही कर दिए जाते हैं, Day 5 तक ले जाना आप क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोज जो है पहले 3 दिनों में जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसमें बहुत ही कम सेल्स रहते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात के ये है कि Day 3 एम्ब्रियोज में एनिप्लॉयडी के रिस्क जनरली ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम डेटा देखा जाए तो हमें ये दिख रहा है कि 75% एनिप्लॉयडी रिस्क रहता है Day 3 एम्ब्रियोज में, लेकिन Day 5 एम्ब्रियोज में ये 35 से 40% तक वेरी करता है। दूसरी बात एक और है कि Day 3 में ज्यादातर एम्ब्रियोज बहुत ज्यादा रहते हैं तो ज्यादा एम्ब्रियोज क्लीन करने पड़ेंगे। तीसरी बात, सारे Day 3 वाले एम्ब्रियोज Day 5 तक नहीं बढ़ने वाले, जो एम्ब्रियोज Day 5 तक बढ़ते हैं उनकी इम्प्लांटेशन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होती है, तो पेशेंट के कॉस्ट और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के हिसाब से Day 5 की बायोप्सी करना बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाता है। ये जब हम बायोप्सी करते हैं यानी एम्ब्रियो के कुछ सेल्स हम निकालते हैं, तो क्या इससे एम्ब्रियो को कुछ डैमेज हो सकता है क्या, या आने वाले होने वाले बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? पहले तो ये है इन्वेसिव प्रोसीजर, थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही, लेकिन IVF और ICSI भी तो इन्वेसिव प्रोसीजर है। जैसे इतने सारे सालों से IVF हो रहा है और जैसे जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद ही अब हैंडल कर पा रहे, तो अगर आप 20 साल पहले जाके देखें तो IVF का सक्सेस बहुत ही कम था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सारे एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही बायोप्सी करते हैं और उनको पहले ही हम लोग स्क्रीन करके उनकी वैलिडेशन होती है, जो सारे एम्ब्रियोज की जितना हो सके उतनी वायबिलिटी मेंटेन कर सके। बाकी एम्ब्रियो की इंटरनल इंटेग्रिटी पर डिपेंड होता है कि वो बायोप्सी प्रोसीजर कैसे सर्वाइव करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ही इसकी बायोप्सी करते हैं तो उतनी हानि नहीं होती और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इसकी उतना इंपैक्ट नहीं रहता, बेस्ड ऑन करंट लिटरेचर हमें ऐसा नहीं दिखता। राइट, एक बहुत कॉमनली जो मुझसे सवाल पूछते हैं पेशेंट्स की, जब IVF फेल हो जाते हैं तो फिर एनालिसिस हम करते हैं और कुछ पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इस बार IVF फेल हो गया है, अगली बार हमें PGT करना चाहिए, एम्ब्रियोज का टेस्टिंग करना चाहिए, तो
तो उनका पहला सवाल यही रहता है कि फिर आपने पहले ही हमें क्यों नहीं बताया, हमने फर्स्ट साइकिल में ही ये टेक्निक क्यों नहीं करी अगर इससे सक्सेस बढ़ सकता था, तो इसका क्या रीजन है? मेनली हम लोग इंडिया में IVF PGT फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट से एक्सेप्टेबल नहीं है मैम. हमें ये नहीं लगता कि हर उस पेशेंट को हमने अचानक से इतना सारा एक्सपेंसिव प्रोसीजर देना चाहिए. मेन कंसर्न एक्सपेंस ही है, क्योंकि अगर हम पहले साइकिल से ही ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब करना शुरू करते तो पेशेंट IVF के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा. तो हम लोग प्राइस कंसर्न और नेसेसिटी के हिसाब से ही ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है. तो पहले साइकिल में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है. सो ओनली फॉर पेशेंट्स विद रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, रेकरेंट IVF फेलियर साइकल्स, हम लोग PGT प्रिस्क्राइब करते हैं. राइट. जैसे आपने एक्सपेंसेस की बात की, लगभग हमारे अस्पताल में देखे हैं 3 या 4 एम्ब्रियोज का यदि हम बायोप्सी करते हैं तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा उसमें बैठता है, जो IVF के प्रोसेस के एडिशनल है, एक्स्ट्रा है. ये फिर इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर क्यों है PGT का? पहली बात तो ये है, PGT में दो सेगमेंट्स रहते हैं. एक तो लैब का जो इंटरनल खर्च आता है और दूसरा है जेनेटिक लेबोरेटरीज का टेस्टिंग कॉस्ट. तो ये एक साधारण सा टेस्ट नहीं है जिसमें से आपने ब्लड खून से DNA निकाल दिया और उसकी टेस्ट करा दी. वो DNA निकलने में बहुत आसानी हो जाती है, वो टेस्ट भी एक्सपेंसिव रहता है. लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया है, एम्ब्रियो बायोप्सी में हमें बस 5 से 6 सेल्स निकलते हैं, और अगर हम ब्लड DNA का देखें तो हमें मिलियन सेल्स निकलते हैं. तो उसमें से DNA आराम से अच्छी वाली क्वांटिटी आ जाती है. लेकिन एम्ब्रियो बायोप्सीज में 5 से 6 सेल्स का DNA निकाल के वो बहुत ही कम रहता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको विजुअलाइज नहीं कर पाता. इसलिए इस DNA की बहुत सारी कॉपीज बनती है. इसको हम होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं. ये पूरा DNA एम्प्लीफाई करके एक एडवांस्ड सीक्वेंसर में, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर बोलते हैं, उसमें स्क्रीन किया जाता है. इसीलिए ये टेस्टिंग के रिएजेंट्स और उसका कॉस्टिंग कम्प्लीटली ज्यादा रहता है. प्लस बायोप्सी की जो नीडल्स हैं वो स्पेशली डिजाइन होती हैं, उनकी कॉस्ट रहती है, और सारे जो प्रोसीजरल कॉस्ट हैं वो भी ज्यादा ही रहते हैं. और ये सारे वन टाइम कंज्यूमेबल्स हैं, ये रियूजेबल नहीं होते. फियोना, जैसा आपने हमें बताया कि जो PGT का प्रोसीजर है उसमें हम जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या जब हम PGT का प्रोसीजर करेंगे तो IVF में 100% सक्सेस हमको मिल सकता है? मैम, 100% सक्सेस इज लिटरली इम्पॉसिबल. हम लोग मेडिसिन के किसी भी फील्ड में 100% सक्सेस नहीं दे सकते. पीजीटी का बस इतना एडवांटेज है कि हम टाइम टू प्रेगनेंसी रिड्यूस कर पाएंगे, और हम लोग बस एनिप्लॉयड ही देख रहे हैं. हम लोग ये चेक करके एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें, जो अच्छे दिखने वाले एम्ब्रियोज हैं वो जेनेटिकली उनके पास 46 क्रोमोसोम्स है या नहीं. इसे छोड़कर बहुत सारी अदर कंडीशंस होती हैं, जैसे अपने आप हो जाती है, जो इस टेस्ट के लिमिटेशंस हैं. एंड ये हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग के टाइम पे एड्रेस करते हैं पेशेंट को. और ये जनरल पॉपुलेशन का जो रिस्क है वो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई टेस्ट हम लोग इतने छोटे से DNA में नहीं कर पाते. इस टेस्ट की लिमिटेशन है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग रिपीटेड साइकल्स अवॉइड कर सकते हैं. बिल्कुल. तो जो मेरा क्लिनिकल अनुभव है वो भी यही है, करीब 4-5 साल पहले तक 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल फेल हो जाते थे और डॉक्टर्स आंसर ही नहीं दे पाते थे कि आखिर ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं. अब हमारे पास ये टेक्निक है, साथ ही साथ ईरा की टेक्निक है, जो एंडोमेट्रियम बराबर इम्प्लांटेशन विंडो खुल रही है कि नहीं ये बताता है. तो यूजुअली 1 और 2 फेल्ड साइकिल्स के बाद हम ये टेस्ट ऑफर कर सकते हैं. थैंकफुली अब हमारे पास एंडरसन लैब्स है, एंडरसन लैब्स ने ये जो टेक्निक है इसे इवन Tier 2 सिटीज जैसे कि भोपाल यहाँ पर भी अवेलेबल कराया है. अपने एक्सपर्टीज मैन पावर जो कि बहुत ही परिष्कृत रूप से है, जैसा आपने बताया नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन है, ये सारी जो टेक्निक्स थी पहले जन साधारण में अवेलेबल ही नहीं थी, सिर्फ बड़े शहरों में अवेलेबल थी. तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले समय में 3 से 5 साल में ये टेक्निक थोड़ी अफोर्डेबल भी होगी, परिष्कृत भी होगी और वाइड स्प्रेड भी होगी. तो हम डेफिनेटली सोच सकते हैं कि जो IVF के फील्ड में नेक्स्ट बड़ा एडवांस है वो जेनेटिक्स से ही आएगा. फियोना, आखिरी में आप एज अ जेनेटिसिस्ट इतने सारे पेशेंट से आप डील करती हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी किस तरह से जेनेटिक्स हेल्प कर सकता है एक कपल को एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने में थ्रू IVF? पहली बात तो ये है कि सेकेंड प्रेगनेंसी लॉस के बाद या फिर आप सेकेंड IVF साइकिल फेलियर के बाद जेनेटिक कंसल्टेशन पहले कराएं.
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एम्ब्रियोज बनने के बाद ये डिसाइड करें लास्ट मोमेंट पे कि हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहते हैं। तो जब आप डॉक्टर से मिले, अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिले, अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री ठीक से बताएं, क्योंकि बहुत बारी बार ऐसा होता है कि फैमिली में साइलेंट डिसऑर्डर्स रन होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को नहीं मिलती और उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए। हमारे पास ऑलमोस्ट 8,000 से 20,000 तक जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जिनको जब तक आप हमें नहीं बताते कि फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, तब तक हमें ये नहीं लगेगा कि आपको स्क्रीन कराना है। वैसे भी जेनेटिक टेस्ट अभी भी कॉमन मैन के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जिन पेशेंट्स को ये जरूरत है उन्हीं पेशेंट्स को ये टेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं। और मेरी सजेशन ये है कि आप आईवीएफ से थर्ड आईवीएफ साइकिल प्लान करने से पहले अपनी पूरी जांच करा ले और सारे टेस्ट आने के बाद ही नेक्स्ट साइकिल प्लान किया जाए। जी फियोना, आप हमारे साथ जुड़ी, आपके एक्सपर्टीज से मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को आज तक भी बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे ऐसे नए इंसाइट्स हमको मिले हैं जिससे हम क्लिनिकल आउटकम जो है वो और अच्छा दे पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप इस फील्ड को एमपी जैसे जगह पर, भोपाल जैसी जगह पर लेके आए हैं अपने टीम के साथ में। और आज आपने जो इतनी अच्छी जानकारी शेयर करी, आई एम श्योर बहुत सारे लोग थे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स को लेकर, वो सारे एड्रेस हुए होंगे। इसके बारे में आप भी, आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल डेफिनेटली एड्रेस देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दैट ऑल द कपल्स हु आर सफरिंग, दे गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इनफर्टिलिटी एंड दे आर एबल टू एक्सेस गुड क्वालिटी केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।